हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नए ब्लॉग के साथ आ चुके हैं फिर से। दोस्तों आज का ब्लॉग बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि दोस्तों जो हमारे पास जो कल्चर पॉम्प की फीमेल है उसको हम आज फर्स्ट बार हमारे घर पे लाने के बाद बात कराएंगे। और दोस्तों आज हम वो बहुत दिन से उसके अंदर थोड़ी स्मेल से आने लगी वो, क्योंकि जो हम उसको एसी वाले रूम के अंदर रखते हैं तो एसी वाले रूम के अंदर हमारा बेड है ना, बेड के नीचे रहती है वो, तो उसके अंदर इसके थोड़े फूस कैसे लग जाते हैं, तो इस वजह से इसको मान लो बहुत ज्यादा स्मेल से आने लगी। तो मैं सोचा यार अब हमारे दर्शकों को दिखाएं हम कि इसको आज फर्स्ट बार घर पे लाने के बाद बात करा रहे हैं। दोस्तों आज का व्लॉग बहुत ही मजेदार होने वाला है और आप हमारा व्लॉग पूरे देखिएगा। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि जो पहले वाली वीडियो थी उसमें हमने इसका नाम डिस्कशन किया, तो दोस्तों मेरे फिर एक अंकल जी का फोन आया, उन्होंने कहा इसका नाम आप रखो बेला। मैंने कहा क्यों कल जैसा क्यों आपने बेला क्यों? वो कहते बेटा आजकल इंग्लिश नेम का ट्रेंड है तो आप इसका बेला नाम रखोगे, बहुत ही जबरदस्त नाम है। तो मैंने कहा ठीक है अंकल जी, आप कहो वैसा कर लेंगे। हमने दोस्तों इसका नाम बेला रख दिया अभी, ना ही कोई कुछ और, बेला बहुत अच्छा नाम लगा मेरे को। अभी हम आपको दिखाते हैं, काफी सोनी है, इसको देखिए भी, ये देखिए यहाँ पे इसके पीछे हमने इसको दोस्तों रोड रखा है, क्योंकि दोस्तों अगर हम इसको खुला छोड़ दे तो ये इधर ही दिखाइए, ये हमारे दोस्तों ये फ्रिज है, ये फ्रिज के नीचे बढ़ जाती है, फिर ये पकड़ाती नहीं दोस्तों, इसीलिए हमने इसको इधर पीछे रोड दिया, क्योंकि हम इसको अभी बात कराएंगे इसीलिए हमने इसको पीछे रोड दिया है। अभी कोई दिक्कत नहीं है, पिंजरा पड़ा है, देखिए पिंजरे पीछे इसको आराम से बैठिए, देखिए पिंजरा खा रही है, देखिए दोस्तों देखिए पिंजरा खा रही है, देखिए। तो अभी आप हमारा ब्लॉग इंजॉय करिए और हम इसको अभी देखिए बात कराते हैं थोड़ी देर में। तो आप प्लीज हमारे ब्लॉग्स देखते रहिए, और अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हम दोस्तों आपकी वजह से भी आगे बड़े यूट्यूबर बन सकते हैं। हमारे दोस्तों पहले बात बताते हैं, हमारे जो ये चैनल है ये आपको हर ब्रीड के डॉग की जानकारी प्रोवाइड करेगा थोड़े दिनों में, आगे धीरे धीरे हम जाएंगे। तो अभी चलिए हम आपको इसका बात दिखाते हैं।
मतलब हमारे जो बैला है उसका बात कंप्लीट हो गया बिल्कुल बिल्कुल अच्छी तरीके से। आप देख सकते हैं इसके बाल देखे बिल्कुल कैसे चिपक गए इसके। वैसे दोस्तों इसके बाल की वजह से ये इस ब्रीड की खूबी है, इतनी अच्छी लगती है। बिना बिना बाल के तो दोस्तों ब्रीड कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं दोस्तों प्लीज़ हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में। तो हम ये दोस्तों हमारे इस साइड पिंजरा पड़ा है देख सकते हैं आप। तो अभी हम इस पिंजरे में छोड़ते हैं क्योंकि अभी ये अगर इसको बाहर छोड़ देते तो फ्रीज है उसके नीचे पड़ जाएगी। और अभी इसके दोस्तों सूखने के बाद मैं इसकी छोटी सी क्लिप डाल दूंगा क्योंकि दोस्तों फिर बाद में हमको कहीं जाना भी है, थोड़ा सा काम है, तो इसलिए हमने इसको भी पिंजरे में छोड़ दिया। तो ये बिल्कुल सूख जाएगी अच्छी तरीके से जब हम एक छोटी सी क्लिप डाल देंगे इस वीडियो के अंदर ही। अब वो हमने जैसे क्लिप डाल दी, अब आप आगे देखिए वो क्लिप। कितनी सुंदर होगी है ये नहाने के बाद, कितनी अच्छी होगी दोस्तों देख सकते हैं। ये बहुत अच्छी बहुत क्यूट ब्रीड है दोस्तों, ऐसी मेरे हिसाब से आपको कहीं नहीं मिलेगी। और अगर दोस्तों आपको ऐसी फीमेल या मेल चाहिए तो आप प्लीज मेरे से कंटेंट करें, तो मैं आपको अच्छे से अच्छी मेल या फीमेल जो भी आपको चीज दिलाऊंगा दोस्तों बिल्कुल जेन्युइनेबल प्राइस में। दोस्तों हमारे को बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आपको पता है बहुत। हमारे जो कैमरा मैन है बहुत बड़ी मुश्किल से आता है, उसको बड़ी मुश्किल से बुला के लाते हैं और उसको हर एक वीडियो के ऊपर रुपए देते हैं हम। तो प्लीज़ हमारे वीडियो लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूँ, घर में वीडियो बताता हूँ, आप अपने घर पर अपने घर के बाहर जो भी आपके स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको प्लीज़ खाना डालें। अगर आपसे जितनी भी हेल्प हो सकती है उतनी हेल्प करें, क्योंकि दोस्तों वो भी जानवर है, उनमें भी जी है थोड़ा। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हम यही एंड कर रहे हैं, प्लीज़ हमारे ब्लॉग आप बताइए कैसा लगा आपको। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके दोस्तों, बाय।